नमस्कार, संभव इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपना पेपर जो चल रहा था वो पेपर 5th था मैकेनिक्स, और इसकी अपनी यूनिट 2nd चल रही थी। लास्ट अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था ऑयलर्स ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस, और ऑयलर्स ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस के अंदर अपने पास 3 इक्वेशन आ रही थी। इसमें ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 जो हैं वो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटीज हैं, अबाउट बॉडी की जो एक्सिस हैं, जो एक्सिस बॉडी के अंदर फिक्स थी, ओ ए, ओ बी और ओ सी के अबाउट। अब इसके अंदर आप करना क्या है, अपना जो आज का तो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अपना कि आपको लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए आपको ऑयलर्स डायनेमिकल इक्वेशंस डिराइव करनी है। लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको काम में लेना है। अभी लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो जस्ट इस चैप्टर के पहले वाले चैप्टर में है, और यूनिट वाइज यदि आप देखें तो इसके जस्ट आगे वाले यूनिट के अंदर वो टॉपिक होगा अपना। तो अपन डायरेक्ट वो इक्वेशन काम में लेंगे, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा था कि अपन ने इस बॉडी को 3 रोटेशन दिए थे, कि बॉडी का जो ऑक्टेंट बन रहा था उस ऑक्टेंट को आपने 3 बार रोटेट करवाया था, जिसमें से पहला एंगल मेरा साई था, दूसरा एंगल मेरा थीटा था, और तीसरा एंगल मेरा कौन सा था, फाई था। कहने का मतलब एक बार मैंने उसको साई एंगल से रोटेट करवाया, दोबारा मैंने उसको थीटा एंगल से रोटेट करवाया, और तीसरी बार मैंने उसको फाई एंगल से रोटेट करवाया। तो ये जो साई, थीटा और फाई जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में ये चीज़ है क्या? ये उस बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है। कि किसी भी पार्टिकल को स्पेस के अंदर यदि आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन या कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होंगे। तो यही जो आपके पास साई, थीटा और फाई जो है उस बॉडी की पोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स के रूप में आपको मिल रहे हैं। और इन्हीं साई, थीटा और फाई के अंदर लाग्रांज ने क्या कहा कि ये जो साई, थीटा और फाई जो हैं वो अपनी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। ये क्या है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा कि लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को काम में लेते हुए आपको ऑयलर डायनेमिकल इक्वेशन आपको डिराइव करनी है, ठीक है। तो टॉपिक अपना है डिडक्शन ऑफ ऑयलर्स डायनेमिकल इक्वेशन, ऑयलर्स डायनेमिकल इक्वेशन फ्रॉम लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को काम में लेते हुए आपको ऑयलर डायनेमिकल इक्वेशंस को डिराइव करना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है? कि वही आपके पास बॉडी है, बॉडी को आपने 3 रोटेशन दिए, तो उन 3 एक्सिस की रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में आपने उनको रोटेशन दिया है, उनकी आपको एंगुलर वेलोसिटीज मान के चलनी है, जहाँ पे वो कौन कौन सी है, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 है, ठीक है। तो मान के चल रहा हूँ लेट ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 आर एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस। एक्सिस कौन सी? ओ ए 3, ओ बी 3 और ओ सी 3। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने ये जो जब ऑयलर्स ज्योमेट्रिक इक्वेशन अपने डिराइव की थी, तो उसके अंदर ये अपनी बॉडी की लास्ट पोजिशन के अंदर जो लास्ट में जो मेरी एक्सिस आ रही थी वो एक्सिस अब ये आ रही थी ओ ए 3, ओ बी 3 और ओ सी 3, और इनके अबाउट जो मेरी एंगुलर वेलोसिटी जो कौन कौन सी हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 हैं, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया था? साई, थीटा और फाई आपने 3 एंगल से बॉडी को रोटेट करवाया था। ऑल्सो साई, थीटा और फाई जिन एंगल से आपने उसको रोटेट करवाया था वो एंगल कहलाते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो साई, थीटा और फाई क्या होंगे? आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और कंसिडर कर रहा हूँ कि बॉडी की जो एक्सिस है अपनी, उन एक्सिस को मैं प्रिंसिपल एक्सिस मान के चल रहा हूँ, और प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये होता है कि आपको उन एक्सिस के रेस्पेक्ट में बॉडी का जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्सिया है, पी आई की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? आपकी 0 आएगी, ठीक है। ऑल्सो कंसिडर
दी एक्सिस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की जो एक्सिस हैं आर टेकन टू बी प्रिंसिपल एक्सिस। बॉडी की एक्सिस को अपन क्या मान के चल रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस मान के चल रहे हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस मानने का मतलब है कि उन एक्सिस के रेस्पेक्ट में बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? जीरो होगा। सो डी ई एफ इक्वल टू जीरो। डी ई एफ क्या थे? डी ई एफ उन एक्सिस के रेस्पेक्ट में बॉडी के प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज थे। बॉडी के क्या थे? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन ये आप देखें तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया यदि आपके जीरो हो और ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री इसकी एंगुलर वेलोसिटीज हो, तो उस कंडीशन में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या आती है? देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी टी इक्वल्स टू क्या था? 1/2 ए ओमेगा वन स्क्वायर, बी ओमेगा टू स्क्वायर, सी ओमेगा थ्री स्क्वायर। ये बॉडी की क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। अब काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो, तो आपको इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। एक तो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, एक है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मैं लैग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकता हूँ, और लैग्रांज इक्वेशन मोशन जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस आएंगे। आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? तीन आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, तो तीन लैग्रांज इक्वेशन आप लिख सकते हैं, और इन तीन लैग्रांज इक्वेशन से आप ऑयलर डायनेमिकल इक्वेशन आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सिंस साई थीटा एंड फाई आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स साई थीटा और फाई क्या है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। सो लैग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब कितनी इक्वेशन लिख सकता हूं मैं? हर कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग आपको एक इक्वेशन मिलेगी। तो मैं यदि फाई इक्वेशन लिखता हूं, लैग्रांजेज फाई इक्वेशन, लैग्रांजेज फाई इक्वेशन, तो फाई इक्वेशन क्या बताएगी भाई आपको? फाई इक्वेशन ये देगी डी बाई डी टी ऑफ डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल फाई इक्वल्स टू डेल डब्लू अपॉन डेल फाई। डब्लू जो है यहाँ पे, W जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो W वास्तव में क्या है? वर्क फंक्शन है। W जो है वो क्या है? वर्क फंक्शन है, मतलब वर्क को रिप्रेजेंट करने वाली टर्म आपकी ये। ठीक है, अच्छा अब आप यूँ देखें कि आपको करना क्या है, आपको एक इक्वेशन आप फाई इक्वेशन भी लिख सकते हो, आप थीटा इक्वेशन भी लिख सकते हो, इसी तरीके से आप साई इक्वेशन भी लिख सकते हो, लेकिन अपन केवल एक ही इक्वेशन काम में लेंगे और एक ही अपन डायनेमिकल इक्वेशन अपन निकालेंगे। और सिमिलरली आप फिर थीटा इक्वेशन और साई इक्वेशन का यूज़ करते हुए रिमेनिंग दो इक्वेशन आप वो निकाल सकते हैं। तो अपन केवल फाई इक्वेशन काम में लेंगे, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे रहे हैं, और ये अपनी ऑयलर्स इक्वेशन है, इसको आप ज्योमेट्रिक इक्वेशन को आप इक्वेशन ए वन नाम दे दो। भी करना क्या आपको, आपको एक दो टर्म निकालनी है, एक तो निकालनी है डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट, एक निकालनी है डेल टी अपॉन डेल फाई, और इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप करनी है इस इक्वेशन के अंदर, डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट और डेल टी अपॉन डेल फाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भैया। नाउ डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट, अब देखो टी का डिफ्रेंशिएशन जो है वो फाई डॉट के रेस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन इस इक्वेशन से यदि आप देखते हैं काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म से यदि आप देखते हैं, तो टी जो है वो पहले ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री का फंक्शन है, और ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री किसके फंक्शन है? थीटा डॉट फाई डॉट और साई डॉट के फंक्शन है। इसका मतलब आप इसका डायरेक्ट फाई डॉट के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते,
तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसका चेन रूल अपनाते हुए आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चेन रूल यदि मैं काम में लेता हूँ तो डेल टी अपॉन डेल ओमेगा वन और डेल ओमेगा वन अपॉन डेल फाई डॉट प्लस डेल टी अपॉन डेल ओमेगा टू और डेल ओमेगा टू अपॉन डेल फाई डॉट प्लस डेल टी अपॉन डेल ओमेगा थ्री और डेल ओमेगा थ्री अपॉन डेल फाई डॉट। डेल टी अपॉन डेल ओमेगा वन की जो टर्म है, उस टर्म को आप यहाँ से देखें, इस इक्वेशन से डेल टी अपॉन डेल ओमेगा वन की वैल्यू कितनी आएगी, टू ए ओमेगा वन, टू यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगी, ए ओमेगा वन। तो ये मेरी टर्म क्या बन रही है, ए ओमेगा वन। डेल ओमेगा वन अपॉन डेल फाई डॉट, आप इक्वेशन ए वन को काम में लें तो डेल ओमेगा वन अपॉन डेल फाई डॉट के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा वन के की टर्म के अंदर मुझे फाई डॉट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ओमेगा वन का फाई डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना, जीरो होगा। नेक्स्ट टर्म आपकी डेल टी अपॉन डेल ओमेगा टू क्या आएगा, बी ओमेगा टू उस इक्वेशन से, और डेल ओमेगा टू अपॉन डेल फाई डॉट, ओमेगा टू वाली टर्म के अंदर भी कोई फाई डॉट की टर्म नहीं है, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी कितना, जीरो। तीसरी टर्म आएगी आपकी डेल टी अपॉन डेल ओमेगा थ्री क्या आएगा, सी ओमेगा थ्री आएगा, और डेल ओमेगा थ्री अपॉन डेल फाई डॉट। तो इस इक्वेशन को यदि आप फाई डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, वन। तो सिमिलरली मुझे क्या मिला, इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो डेल टी अपॉन डेल ओमेगा डेल फाई डॉट इक्वल टू मुझे मिला सी ओमेगा थ्री, क्या मिला भाई, सी ओमेगा थ्री। इसी तरीके से आप इसकी दूसरी टर्म वो निकाल सकते हैं, नेक्स्ट देखें भाई, अगेन दूसरी टर्म मुझे कौन से निकालनी है, दूसरी टर्म आपको निकालनी है डेल टी अपॉन डेल फाई, डेल टी अपॉन डेल फाई, डेल टी अपॉन डेल फाई यदि आपको निकालना हो तो वैसे सेम कंसेप्ट में काम में लूंगा कि टी जो है वो ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री का फंक्शन है, तो आपको यहाँ पे इसका चेन रूल अपनाते हुए इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डेल टी अपॉन डेल ओमेगा वन और डेल ओमेगा वन अपॉन डेल फाई प्लस डेल टी अपॉन डेल ओमेगा टू और डेल ओमेगा टू अपॉन डेल फाई प्लस डेल टी अपॉन डेल ओमेगा थ्री और डेल ओमेगा थ्री अपॉन डेल फाई। अच्छा डेल टी अपॉन डेल ओमेगा वन इक्वेशन से क्या आएगा अभी, ए ओमेगा वन आएगा उस कंडीशन से, डेल ओमेगा वन अपॉन डेल फाई मतलब ओमेगा वन का आपको फाई की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसके रेस्पेक्ट में फाई की रेस्पेक्ट में, तो फाई की रेस्पेक्ट में यदि आप उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले तो होगा साइन फाई का, साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, कोस फाई आएगा, तो टर्म कौन सी आई मीन थीटा डॉट कोस फाई, थीटा डॉट कोस फाई, फिर साइन डॉट साइन थीटा कॉन्स्टेंट रहेगा, कोस फाई का डिफ्रेंशिएशन कितना माइनस साइन फाई, तो ये बन जाएगा मेरा प्लस प्लस साई डॉट साइन थीटा साइन फाई, साई डॉट साइन थीटा साइन फाई। दूसरा प्लस डेल टी अपॉन डेल ओमेगा टू क्या आएगा भाई, बी ओमेगा टू आएगा, और डेल ओमेगा टू अपॉन डेल फाई, ओमेगा टू को फाई के रेस्पेक्ट में करो आप, ओमेगा टू को फाई के रेस्पेक्ट में, तो कोस फाई का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, माइनस साइन फाई आएगा, तो माइनस थीटा डॉट साइन फाई, माइनस थीटा डॉट साइन फाई। अच्छा फिर यहाँ पे साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन कितना, कोस फाई, तो टर्म मेरी कौन सी आएगी, प्लस साई डॉट साइन थीटा कोस फाई, साई डॉट साइन थीटा कोस फाई। नेक्स्ट जो टर्म आपकी आ रही है वो क्या आ रही है, डेल टी अपॉन डेल ओमेगा थ्री, ओमेगा थ्री का आप फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, ओमेगा थ्री का फाई के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा थ्री का फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसके अंदर फाई की टर्म है नहीं, इसका मतलब ओमेगा थ्री का फाई के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, जीरो आएगा, इसका मतलब ये जो मेरी टर्म बन रही है वो क्या बन रही है, सी ओमेगा थ्री इंटू कितना, जीरो। नेक्स्ट देखो भी इसको आप आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है, अभी डेल टी अपॉन डेल फाई इक्वल टू
पहली टर्म के अंदर मुझे मिल रहा है ए ओमेगा वन थीटा डॉट कोस फाई एंड साई डॉट साइन थीटा साइन फाई। यहाँ देखो आप, थीटा डॉट कोस फाई साई डॉट साइन थीटा साइन फाई क्या चीज़ है? ओमेगा टू। तो ये वास्तव में क्या मिल रहा है मुझे? ये मेरा ओमेगा टू है। दूसरी चीज, ये टर्म मुझे थीटा डॉट साइन फाई और साई डॉट साइन थीटा कोस फाई, यहाँ यदि मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये वाली टर्म मेरी प्लस में आएगी और ये वाली टर्म मेरी माइनस में आएगी। तो थीटा डॉट साइन फाई माइनस साई डॉट साइन थीटा कोस फाई, थीटा डॉट साइन फाई माइनस साई डॉट साइन थीटा कोस फाई। इसका मतलब ये जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी मेरी? ये बन रही है माइनस ओमेगा वन। किसका यूज किया? बाई यूजिंग इक्वेशन ए वन। इक्वेशन ए वन का आपने यूज़ किया यहाँ पे, और इक्वेशन ए वन का यूज करते हुए आपने क्या लिखा? ये मेरी ओमेगा टू की टर्म बन रही है और ये मेरा बन रहा माइनस ओमेगा वन। तो मुझे टर्म क्या मिली? ओमेगा वन ओमेगा टू और माइनस बी ओमेगा टू और ओमेगा वन, माइनस बी ओमेगा टू और ओमेगा वन। ठीक है, ये टर्म कौन सी मेरी? डेल टी अपॉन डेल फाई। इसको अपन इक्वेशन नंबर, ये मेरी इक्वेशन आप इसको सेकंड नाम दे दें और इस इक्वेशन को आप थर्ड नाम दे दें। इक्वेशन सेकंड और थर्ड का आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर काम में लें यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट वी हैव। फर्स्ट इक्वेशन कुछ ये थी अपनी, क्या थी भी? डी बाई डी टी ऑफ डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल फाई इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल फाई। इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट रखें तो डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट कितना है? सी ओमेगा थ्री, मतलब डी बाई डी टी ऑफ सी ओमेगा थ्री माइनस, फिर डेल टी अपॉन डेल फाई की वैल्यू मैं यहाँ से रखता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड से, तो क्या मिलता है मुझे? माइनस ए ओमेगा वन ओमेगा टू माइनस बी ओमेगा वन ओमेगा टू इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल फाई। थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो बना सी जो है, सी क्या है? सी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये तो आप बाहर निकाल सकते हैं। ओमेगा थ्री का कितना होगा? ओमेगा थ्री डॉट सी ओमेगा थ्री डॉट माइनस, यहाँ से ओमेगा वन ओमेगा टू कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा ए माइनस बी ओमेगा वन ओमेगा टू किसके बराबर? डेल ओमेगा अपॉन डेल फाई के बराबर। और ध्यान दें इस वर्क फंक्शन का फाई के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन है वो टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉर्क को। टॉर्क का मतलब मोमेंट, फोर्स के मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये क्या है? मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। और वास्तव में ये कौन सी एक्सिस के अबाउट है? अबाउट द एक्सिस, ये ओ सी एक्सिस के अबाउट है। मतलब बॉडी की जो तीन एक्सिस थी ओ ए ओ बी ओ सी, तो उन तीन एक्सिस में जो ओ सी एक्सिस है उसके अबाउट डेल ओमेगा अपॉन डेल फाई जो है वो फोर्स की मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस फोर्स की मूवमेंट को अपन ने एन नाम दे रखा था। क्या नाम दे रखा था? एन नाम। आपने तीन टर्म यूज़ की थी, कैपिटल एल एम और एन। तीनों टर्म क्या बता रही थी? मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्सेज की मोमेंट को शो कर रही थी टर्म। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन जो मिल रही है वो क्या मिल रही है? सी ओमेगा थ्री डॉट माइनस ए माइनस बी ओमेगा वन ओमेगा टू इक्वल टू एन। ये क्या चीज़ है? ये अपनी ऑयलर डायनेमिकल थर्ड इक्वेशन है। ये कि जो अपनी ऑयलर डायनेमिकल इक्वेशन जो थी उसमें थर्ड इक्वेशन में ये मिल रही है सी ओमेगा थ्री डॉट माइनस ए माइनस बी ओमेगा वन ओमेगा टू इक्वल टू एन। सिमिलरली अपनी जो रिमेनिंग जो टर्म्स आती हैं वो कौन सी आती हैं? सिमिलरली रिमेनिंग जो अपनी दो इक्वेशन और बच रही हैं वो दो इक्वेशन भी आप लिख सकते हो। आपको केवल एक ही इक्वेशन डिराइव करनी है और एक इक्वेशन डिराइव करके आप सिमिलरली रिमेनिंग दोनों इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन जो बच रही हैं अपनी वो कौन सी हैं? आप उसको साइक्लिक ऑर्डर में यदि लिखते हैं तो सी ये होगा ए
ओमेगा वन डॉट माइनस बी माइनस सी ओमेगा टू ओमेगा थ्री इक्वल टू किसके, एल के बराबर, और बी ओमेगा टू डॉट माइनस सी माइनस ए ओमेगा वन ओमेगा थ्री इक्वल टू कितना, एम। तो ये जो तीनों इक्वेशन आपको मिल रही हैं ये क्या है भाई, ये अपनी ऑयलर डायनेमिकल इक्वेशन है। दीज इक्वेशन आर नॉन एज ऑयलर्स डायनेमिकल इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को आप क्या कह सकते हैं,